दोस्तों, आपका स्वागत है इंडियन इंडस्ट्री ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल बीच में छोड़ना नहीं है, कट नहीं करना है, क्योंकि आज सबसे ज़्यादा नोटिफिकेशन है जो पेट्रोकेमिकल, फर्टिलाइज़र और केमिकल से रिलेटिव है। तो बहुत सारे वॉकिंग इंटरव्यू हैं, इंटरव्यू रिक्रूटमेंट्स हैं, तो इसलिए कोई भी बिल्कुल वीडियो को छोड़े नहीं, पूरा वीडियो देखें। तो दोस्तों, यहाँ पे जो वॉकिंग इंटरव्यू है तो ये 15 नवंबर का होने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ पे HES ऑफिसर के लिए 90 वैकेंसी हैं, जहाँ पर 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है ऑयल एंड गैस का। दोस्तों, नेक्स्ट है जो फोरमैन के लिए 40 वैकेंसी हैं, जहाँ पे 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है ऑयल एंड गैस का। दोस्तों, यहाँ पे मेल आईडी दी हुई है, अगर आप चाहते हैं तो मेल आईडी पे भी अपना CV फॉरवर्ड कर सकते हैं, वरना नीचे एड्रेस दिया हुआ, टाइम टेबल दिया हुआ है जो 10 बजे से 3 बजे तक चलेगा, तो आप यहाँ पर भी इसे अटेंड कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपको यहाँ पे नहीं पहुँच पा रहे हैं तो दोस्तों आप अपना CV फॉरवर्ड कर दें मेल आईडी पे। दोस्तों देखो, फिर से मैं बोलना चाहूँगा, क्योंकि हम इस तरीके के नोटिफिकेशन कंटिन्यूस लाते रहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, बहुत सारे नोटिफिकेशन हैं। नेक्स्ट जो वॉकिंग इंटरव्यू है दोस्तों, यहाँ पे है जो आपका हाइड्रोकार्बन यूनिट के लिए है, तो यहाँ पे जो है प्रोसेस इंजीनियर का लिए वैकेंसी है दोस्तों। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर के लिए वैकेंसी है, हैं इंस्ट्रूमेंटेशन डिज़ाइनर के लिए वैकेंसी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए वैकेंसीज है, इलेक्ट्रिकल डिज़ाइनर के लिए वैकेंसीज है, जो 23 नवंबर का होने वाला है। टाइम दिया है और यहाँ पर एड्रेस दिया हुआ है, ठीक है, तो आप यहाँ पर जाके इसे अटेंड कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात करूँ तो CPCL में वैकेंसी दोस्तों, इसका नोटिफिकेशन स्पेशली मैंने अपने पुराने वीडियो में बनाया। देखो, बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा कि कहाँ वैकेंसी है, तो दोस्तों पुराना वीडियो भी देख सकते हैं आप हमारा, बहुत सारे वॉकिंग इंटरव्यू हैं। तो यहाँ पे दोस्तों, ये डिप्टी सेक्रेटरी के लिए जूनियर जितने भी वर्क्स मैंने उनके लिए अलग अलग, जैसे कि मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन हैं ये वगैरह वगैरह, मार्केटिंग सब के लिए वैकेंसी, ट्रेनिंग के लिए वैकेंसी यहाँ पर, फ्रेशर के लिए, बहुत लोग कहते हैं फ्रेशर के लिए नहीं है, फ्रेशर के लिए यहाँ पर हैं। तो नेक्स्ट बात करूँ दोस्तों, जहाँ फार्मा कंपनी की में वैकेंसी है, जो आपका ऑपरेटर, सीनियर ऑफिसर्स, एग्जीक्यूटिव वगैरह के लिए वैकेंसी, यहाँ पर अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगा है, जैसे ऑपरेटर्स और यहाँ पर प्रोडक्शन की बात करूँ तो ITI, BSc, MSc, B.Pharma मांगा है। नेक्स्ट प्रोडक्शन OSD डिपार्टमेंट की बात करूँ तो ITI, BSc, MSc, B.Pharma मांगा है। नेक्स्ट QC डिपार्टमेंट की बात करूँ तो BSc, MSc, B.Pharma मांगा है। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, आपके पास 1 से 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 17 नवंबर का इंटरव्यू है, पूरा एड्रेस दिया हुआ है अहमदाबाद में, 9 बजे से 3 बजे तक होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करूँ दोस्तों, यहाँ पर 17 नवंबर का इंटरव्यू है, जो टाइम दिया हुआ है, और यहाँ पे जो है अहमदाबाद में होने वाला है, तो ये सेम नोटिफिकेशन। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे देखिए, DCS ऑपरेटर, स्टोरेज फील्ड ऑपरेटर, ENF फील्ड ऑपरेटर स्टोरेज। तो यहाँ पे देखिए, ऑपरेटर जो भी है एक्सपीरियंस होना चाहिए, कमीशनिंग, स्टार्ट, शट डाउन, इमरजेंसी शट डाउन, जो भी है प्लांट शट डाउन सिस्टम, जो भी आपका LPG, LNG का प्लांट का एक्सपीरियंस होना चाहिए, पूरा दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और आप, अगर आपके पास ये एक्सपीरियंस है तो देखिए दोस्तों, यहाँ इनका कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ, मेल आईडी दिया हुआ, तो अपना CV वहाँ फॉरवर्ड कर सकते हैं। दोस्तों अपना यूट्यूब का क्वालिटी बढ़ा लें, यहाँ पर मैं ऑलरेडी पूरा क्वालिटी में दिखा रहा हूँ वीडियो। तो नेक्स्ट बात करूँ दोस्तों, अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, देखिए बहुत सारे सीनियर इंजीनियर्स, क्वालिटी, स्ट्रक्चर, हाँ, आर्किटेक्ट, जो भी है डिज़ाइनर्स वगैरह के लिए, सुपरवाइजर्स वगैरह के लिए हैं, तो नीचे मेल आईडी दिया, अगर आपका रिलेटिव है फील्ड तो आप मेल आईडी पे CV डाल सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, सिविल इंजीनियर वैकेंसीज हैं, यहाँ पे दोस्तों वॉकिंग इंटरव्यू दिया हुआ है, जो 9 नवंबर से 16 नवंबर तक चलने वाला है। तो दोस्तों, आप अटेंड करना चाहते हैं तो अटेंड कर सकते हैं, एड्रेस दिया हुआ है। दोस्तों यहाँ पे जो है KJS ग्रुप ऑफ कंपनी, यहाँ बहुत सारी वैकेंसीज हैं स्टील, तो यहाँ पे सीनियर अकाउंटेंट, ऑफिस मैनेजर्स वगैरह के लिए, DGM सिविल के लिए है,
जी एम मार्केटिंग के लिए यहाँ पर देखिए, जैसे सिविल वाले के लिए सिविल इंजीनियर 20 से 25 ईयर एक्सपीरियंस, जी एम मार्केटिंग के लिए MBA 15 ईयर एक्सपीरियंस, मैनेजर बिजनेस जहाँ पर MBA 10 से 15 ईयर एक्सपीरियंस, डिप्टी GM जहाँ BTech डिप्लोमा होना चाहिए 10 से 15 ईयर एक्सपीरियंस, और GM तो 15 से 18 ईयर एक्सपीरियंस, PhD CMD तो 5 से 7 ईयर एक्सपीरियंस, बहुत सारे हैं। देखिए देखिए, अकाउंटेंट मैनेजर, माल मैनेजर, मैनेजर जो भी है, आर्किटेक्ट, बिल्डिंग इंजीनियर, MEP इंजीनियर्स वगैरह के लिए जो भी BTech, MTech, MBA, तो यहाँ पर दोस्तों को आपके सामने पूरा दिया है। तो इसे अगर आपको इंटरेस्टेड है तो नीचे मेल आईडी दी हुई TANU@RCUBE.net.in कॉन्टैक्ट नंबर दियो, वेबसाइट दिया है। तो दोस्तों नेक्स्ट स्कूल है, यहाँ पर टीचर्स वगैरह के लिए वैकेंसी है, मैथमेटिक्स हैं और सिविल के लिए है, साइट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर्स वगैरह के लिए जो भी है वैकेंसीज हैं यहाँ पर। देखिए 25 नवंबर से पहले पहले आपको ये अपना करना होगा प्रोसेस, यहाँ मेल आईडी दिया हुआ है। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसीज हैं, CM इंजीनियर्स, CAM इंजीनियर्स जो भी, रेडियल, डाई, HR वगैरह के लिए वैकेंसीज हैं, जो आपको मेल आईडी दिया हुआ है। अगर आप चाहते हैं अटेंड करना तो मेल आईडी उसी फॉरवर्ड कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, बी डिप्लोमा सिविल मांगा है, क्वालिटी बी डिप्लोमा सिविल मांगा है, साइट इंजीनियर बी डिप्लोमा सिविल मांगा है, एक्सपीरियंस अलग अलग दें 10, 15, 5 मास, तो दोस्तों अलग अलग एक्सपीरियंस दिए हुए हैं यहाँ पर। देखिए अगर आप अटेंड नहीं कर पा रहे हैं तो मेल आईडी दिया हुआ है और इनका पूरा। दोस्तों नेक्स्ट बात करूँ तो यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट के लिए भी, अगर BTech BSc डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से की हुई हैं तो वो लोग यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, मेल कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं मार्केटिंग से की हुई। तो दोस्तों यहाँ पर इनका मेल आईडी दिया हुआ ऑलरेडी। दोस्तों गुजरात मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में वैकेंसी है, जहाँ पे इनका ऑफिशियली वेबसाइट दिया, 12 दिसंबर से पहले पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे दिया हुआ है इलेक्ट्रिकल रोलिंग स्टॉक जो भी ऑपरेशन मेंटेनेंस वगैरह के लिए वैकेंसीज है, ऑफिशियली वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। यहाँ पे HCL में वैकेंसी डिप्टी मैनेजर, देखो दोस्तों ये नोटिफिकेशन अभी ऑफिशियली वेबसाइट पर नहीं आया, यहाँ आ गया है, यह 18 तारीख तक आ जाएगा। तो यहाँ पर डिप्टी मैनेजर्स सिक्योरिटी, मैनेजर सिक्योरिटी, डिप्टी मैनेजर सिविल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, HR ऑफिसर, फील्ड फायर ऑफिसर, जो भी सिक्योरिटी वगैरह फायर ऑफिसर्स वगैरह के लिए वैकेंसी है, अगर आप इसे भरना चाहते हैं तो आगे आने वाला नोटिफिकेशन है वो मैं दूंगा, जिसमें आप भरने में भी बता दूंगा। दोस्तों यहाँ पर ग्रेजुएशन जो मेल कैंडिडेट हैं 21 से 35 एज है, वो लोग यहाँ पर भर सकते हैं, ठीक है। इनका मेल आईडी दिया होगा 17/11 से पहले पहले आपको करना होगा। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसी, यहाँ पर प्रोडक्शन मैनेजर की एक वैकेंसी, M Pharma B Pharma मांगा, 10 ईयर एक्सपीरियंस। अगर पास HR मैनेजर की बात करूँ, एक है कोई ग्रेजुएशन है विद पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा, 5 ईयर एक्सपीरियंस, अप्रूव्ड केमिस्ट, यहाँ पर 6 पोजीशन है, M Pharma B Pharma MSc BSc विद FDA 3 से 4 ईयर एक्सपीरियंस, असिस्टेंट केमिस्ट, यहाँ पर देखिए M Pharma B Pharma MSc BSc 1 से 2 ईयर एक्सपीरियंस। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर देखिए फूड प्रोडक्ट्स हेड के लिए जो M Pharma B Pharma ग्रेजुएशन मांगा हुआ है, तो यहाँ पर पढ़ सकते हैं आप। स्टोर एग्जीक्यूटिव, तो यहाँ पर दोस्तों B Pharma D Pharma BSc 2 से 3 ईयर एक्सपीरियंस, स्टोर असिस्टेंट जहाँ D Pharma BSc 1 से 2 ईयर एक्सपीरियंस, क्वालिटी कंट्रोल के लिए 3 है, केमिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एनालिस्ट यहाँ पर 2 है, बी फार्मा यहाँ पर MSc BSc 3 से 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए, माइक्रोलॉजिस्ट यहाँ पर बी फार्मा MSc BSc मांगा हुआ है, क्वालिटी के लिए वैकेंसीज है जहाँ पर सेम क्वालिफिकेशंस हैं,
अब देखो जितना भी मशीन ऑपरेटर्स वगैरह के लिए 1 से 2 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है, पैकिंग के लिए सुपरवाइज़र की कोई ग्रेजुएशन 1 से 2 ईयर एक्सपीरियंस है, अकाउंटेंट एम कॉम बी कॉम 5 ईयर एक्सपीरियंस, असिस्टेंट अकाउंटेंट एम कॉम बी कॉम 1 से 2 ईयर एक्सपीरियंस, मेंटेनेंस असिस्टेंट IT डिप्लोमा मैकेनिकल से 2 से 3 ईयर एक्सपीरियंस, हाउस कीपिंग इंचार्ज जो कोई भी ग्रेजुएशन 1 से 2 ईयर एक्सपीरियंस, सिक्योरिटी गार्ड कोई भी ग्रेजुएशन है 3 से 4 ईयर एक्सपीरियंस, गार्डनर एक पोस्ट है जो 1 से 2 ईयर एक्सपीरियंस। अगर आपको ये फॉरवर्ड करना है तो नीचे मेल आईडी दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए नेक्स्ट वॉकिंग इंटरव्यू है अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए, अगर आपको मैच कर रहा है अकाउंट फाइनेंस से तो आप यहाँ पर इसे अटेंड कर सकते हैं 13 नवंबर से 30 नवंबर तक चलेगा। तो ये गैस का ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ इस नोटिफिकेशन को, तो आपके सामने और आप अपना वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों ये वॉकिंग इंटरव्यू है जो मैनेजर एग्जीक्यूटिव, यहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगा MBA HR PG DM HR MSW MLW 1 से 8 ईयर एक्सपीरियंस 17 नवंबर का होने वाला है। अगर आप चाहते हैं तो इसमें मेल आईडी दिया हुआ ऑलरेडी। नेक्स्ट बात करूँ दोस्तों यहाँ पर तो HR हेड के लिए वैकेंसी है, मार्केटिंग हेड वगैरह के लिए तो यहाँ पर मेल आईडी दिया हुआ 5 ईयर एक्सपीरियंस मंगाया है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसीज है जो 13 नवंबर से 24 नवंबर तक इंटरव्यू होने वाले हैं, ग्रेजुएशन MBA पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह फ्रेशर से अप्लाई कर सकते हैं। सबसे बड़ी लोकेशन डिफरेंट डिफरेंस लोकेशंस दी हुई हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें जॉब अपॉर्चुनिटी अवेलेबल सीनियर मैनेजर जहाँ BA मैकेनिकल MBA प्रोडक्ट डिज़ाइन इंजीनियर मार्केटिंग इंजीनियर ऑफिसर मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव जो भी दिया मैकेनिकल अकाउंटेंट तो MCOM जो भी BCOM दिया आपका डिप्लोमा मैकेनिकल भी जो डिफरेंट क्वालिफिकेशन दी हुई हैं मेरा आईडी नीचे दिया है। ये वॉकिंग इंटरव्यू दोस्तों डिफरेंट अगर आपका मैच कर रहा है जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इलेक्ट्रिकल डिजाइनर इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर प्रोसेस इंजीनियर तो आप यहाँ पर 23 तारीख को इसे अटेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों फील्ड इंजीनियर के लिए वैकेंसी यहाँ पर है जो BE करे हुए हैं इलेक्ट्रिकल से हैं इलेक्ट्रॉनिक से IT करे हैं इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक से करे हुए हैं वो लोग यहाँ पे 13 से 16 तारीख तक अटेंड कर सकते हैं। दोस्तों इनका पूरा एड्रेस दिया हुआ आपके सामने, ये वॉकिंग इंटरव्यू है। तो SIPL में वैकेंसी है जहाँ पर डिफरेंट क्वालिफिकेशन जैसे BME के लिए इलेक्ट्रिकल अलग अलग दिया हुआ, IT दिया क्वालिफिकेशन MBA तो अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग दिया, टेक्निकल हैं अलग अलग दिया। अगर आपका मैच कर रहा है तो 16 से 17 नवंबर तक होगा, ये कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए और एड्रेस दिया हुआ है। नेक्स्ट बात करूँ तो सीनियर अकाउंटेंट सीनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर मैकेनिकल वगैरह के लिए सिविल तो 3 ईयर एक्सपीरियंस है दोस्तों, इसे मेल आईडी पे मेल कर दें अपना CV। तो दोस्तों यहाँ पे जो है अगर आप प्रोडक्ट हेड प्रोडक्ट QA QC इंजीनियर प्रोडक्ट प्लानिंग कंट्रोल तो अलग अलग क्वालिफिकेशन दिए हैं, अगर आप बनना चाहते हैं तो मेल आईडी दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर मेल आईडी अपना CV फॉरवर्ड अभी जस्ट कर दें। तो दोस्तों नेक्स्ट बात करूँ प्रोजेक्ट मैनेजर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव वगैरह यहाँ पर डिप्लोमा डिग्री मैकेनिकल से मांगा है, यहाँ पे 5 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है। सर्विस मैनेजर सर्विस एग्जीक्यूटिव 2 से 5 ईयर एक्सपीरियंस डिप्लोमा डिग्री मैकेनिकल से होना चाहिए, अकाउंटेंट एग्जीक्यूटिव 2 से 5 ईयर एक्सपीरियंस BCOM MCOM चलेगा। अगर आप अटेंड करना चाहते हैं तो 16 से 17 तारीख का होने वाला है तो आप अटेंड कर सकते हैं, वरना मेल आईडी मेल कर सकते हैं CV। नेक्स्ट बात करूँ थोड़ा नासिक लोकेशन के लिए सीनियर इंजीनियर जहाँ पर BDC सिविल मांगा है 10+ ईयर एक्सपीरियंस, जूनियर इंजीनियर जहाँ पर BDC 8+ ईयर साइट सुपरवाइज़र ग्रेजुएशन 10+ ईयर एक्सपीरियंस 16 तारीख का होने वाला है, एड्रेस दिया हुआ है। यहाँ पर GET के लिए वैकेंसी है दोस्तों यहाँ पर ईमेल आईडी दी हुई है, यहाँ पर फ्रेशर जो EEE और मैकेनिकल सीखी वो लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, 60% होना कंपलसरी है। दोस्तों यहाँ पर जो है बड़ौदा लोकेशन में होने वाला है वॉकिंग इंटरव्यू 16 तारीख का। तो दोस्तों आप अगर चाहते हैं इसे अटेंड करना तो अटेंड कर सकते हैं, यहाँ पर BE BTEC और डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। और ये 9 से 1 ईयर 1 बजे तक चलेगा, 2 से 10 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए,
और यहाँ पर दिया हुआ पूरा इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट जो भी है टाइटल जॉब वो रहेगा दोस्तों। सर्विस इंजीनियर और अकाउंटेंट के लिए वैकेंसी मेल आईडी दिया हुआ है। नेक्स्ट है दोस्तों एचपी में जो बिजनेस एग्जीक्यूटिव मैनेजर्स ऑफिसर अलग अलग दिए हुए सर्विस इंजीनियर वॉकिंग इंटरव्यू है वेनेसडे ट्यूसडे का तो पूरा दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे है फाइनेंस वगैरह तो आप अगर मैच करते हैं इससे तो आप यहाँ पे अटेंड कर सकते हैं दोस्तों। इसे मेल आईडी पे अपना सीवी फॉरवर्ड कर सकते हैं और अटेंड कर सकते हैं दोस्तों। ने कहा असिस्टेंट मैनेजर और प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए वैकेंसी मेल आईडी दी है। यहाँ पे प्रोडक्शन मैनेजर क्यूक्यूसी कटिंग वगैरह के लिए वैकेंसी है तो अगर आप अटेंड करना चाहते हैं तो अटेंड कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव वगैरह के लिए जो भी है एचआर कम्युनिकेशन तो अगर 30 नवंबर से पहले पहले आपको सीवी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हैं डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में वैकेंसी है। इनका 25/11/2019 से पहले पहले अप्लाई करना पड़ेगा पूरा दिया हुआ प्रोसेस। यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए दिया है पूरा। यहाँ पर देखिए अलग अलग डिपार्टमेंट दिया हुआ है मेल आईडी दी हुई है। अगर आप हैं तो अटेंड कर सकते हैं अपना सीवी फॉरवर्ड कर सकते हैं। यहाँ पर भी ऐसी वॉकिंग इंटरव्यू 13 से 16 नवंबर तक कॉन्टैक्ट नंबर दिया मेल आईडी दी हुआ है तो अटेंड कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए आर्किटेक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर जो भी है अलग अलग डिपार्टमेंट दिया ड्राइवर 2 से 5 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए इन सब के लिए मेल आईडी दिया कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। देखो दोस्तों यहाँ पर पूरा मेल आईडी दिया हुआ है। यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट सर्विस मेंटेनेंस जहाँ पर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल आईटीआई 2+ ईयर एक्सपीरियंस है प्रोडक्ट इंचार्ज जहाँ पर डिप्लोमा बीएससी एमएससी मांगा हुआ है तो पूरा दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर एडमिन असिस्टेंट के लिए वैकेंसी है अगर आप अटेंड करना चाहते हैं अटेंड कर सकते हैं दोस्तों। तो 26 नवंबर से पहले पहले अपना प्रोसेस कंप्लीट कर लें दोस्तों। कस्टमर केयर के लिए वैकेंसी मेल आईडी दिया है तो दोस्तों यहाँ पे जो है मेल आईडी दिया हुआ आपका एज लिमिट दिया हुआ है पूरा दिवस सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए। तो यहाँ पर भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए वैकेंसी है दोस्तों। अकाउंटेंट ऑडिटर के लिए वैकेंसी अकाउंटेंट एचआर वगैरह जो भी फीमेल के लिए है तो यहाँ वॉकिंग इंटरव्यू रखा है उन्होंने 15-16 तारीख का तो यहाँ अटेंड कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर बहुत सारे जो भी सॉफ्टवेयर वगैरह के लिए वॉकिंग इंटरव्यू दे रखा है मेल आईडी भी दी है तो अटेंड कर सकते हो दोस्तों। नेक्स्ट बात करूँ एनआईटी के लिए दिल्ली के लिए वैकेंसी है जो नॉन टीचिंग पोजीशंस हैं अगर आपको अटेंड करना है तो इसी वेबसाइट जो ऑफिशियली लिंक है उस पर चले जाएँ और 20 दिसंबर से पहले पहले अप्लाई कर दें दोस्तों। जनरल मैनेजर मार्केटिंग मैनेजर डिप्टी मैनेजर वगैरह के लिए वैकेंसी है तो इनका ऑफिशियली वेबसाइट पर जाके अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसीज हैं जो इंस्टीट्यूट के लिए प्रिंसिपल के लिए है टीचर के लिए एचओडी के लिए लेक्चरर के लिए प्रोफेसर्स के लिए है बहुत सारी हैं और अलग अलग यहाँ पर ब्रांचेस दी हुई हैं। अगर आपका मैच कर रहा है कोई भी तो यहाँ पर आप पूरे सारी डिपार्टमेंट में वैकेंसी हैं तो वेबसाइट पर जाके आप इसे पूरा फिल कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है तो आप यहाँ जाके पूरा भर दें अपना। देखो यहाँ पर वैकेंसी आपसे सीनियर ऑफिसर पैकिंग ऑफिसर्स वगैरह के लिए तो आप यहाँ पर नीचे मेल आईडी दी है तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपका मैच कर रहा है सेल्स के लिए तो आप यहाँ पर अपना अटेंड कर सकते हैं 13 से 16 नवंबर तक दोस्तों। यहाँ पर वर्किंग इंटरव्यू फीमेल टेली कॉलर्स वगैरह जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन दी हुई है 13 और 14 नवंबर का होने वाला है। तो दोस्तों बीकॉम बीबीए बीबीएम ग्रेजुएशन जो भी है आप 14 नवंबर का होने वाला है यहाँ अटेंड करना चाहते हैं अटेंड कर सकते हैं। क्राइटेरिया पूरा दिया हुआ है 18-19 के पास आउट होना चाहिए 60% होना चाहिए। अर्जेंट रिक्वायरमेंट है वॉकिंग इंटरव्यू 14 नवंबर का तो अगर आपने बीटेक किया मैकेनिकल सिविल से तो यहाँ पर अटेंड कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात करूँ ये बहुत सारे डिपार्टमेंट दिए होंगे इनका मेल आईडी दिया हो अगर आप ऐसे मैच करते हैं तो मेल आईडी भी सी फॉरवर्ड कर दें। क्यूसी के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए 17 तारीख का होने वाला है तो आप अगर अटेंड करना चाहते हैं अटेंड कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर
अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए है। तो मैं नोटिफिकेशन थोड़ा जल्दी दिखा देता हूँ, ये नोटिफिकेशन ऑलरेडी मैं दूसरी वीडियो में दिखा चुका हूँ, ठीक है, तो आपकी याददाश्त के लिए नोटिफिकेशन आपको दिखा दे रहे हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट टाइम फिर वीडियो बनाएंगे और कोई लेके आएंगे सारे नोटिफिकेशन। दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।